आज आज सब खत्म हो गया, सब हवा में उड़ गए, सब सब हवा में उड़ गए। मोटा मोदी और मोटा मोदी दो मोदी है, सब हवा में उड़ गए सब। बहुत अच्छा संदेश दिया है, घर घर जाके हरे को राम राम कहना हमारा और मोदी को यहाँ से विजय करना। सब हवा में उड़ गए सब। मोटा मोदी तो पार्टी है, मोटा मोदी अभी आए हैं। वोट मोदी जीते हम, कला सोच रहे हो। सब हवा में उड़ गए सब। मोदी को ही देंगे दिल्ली में, और इसको जो बदमाश लोगों को अंदर टेका है, इसलिए हम तो मोदी को वोट देंगे। सब मोदी के साथ है, मोदी के साथ है सब। देश का भला कर देंगे, पानी मंगाएंगे। बहुत अच्छा माहौल है और कमल का फूल जीतेगा। फूल को मोदी सरकार को तो अब की बार 400 से ज्यादा खिलाड़ी जीतेगा। अभी ये लोग देख देख के मतलब अपना मतलब कब्जा करने चाह रहे, कोई उनको एक ही वोट नहीं देगा, सिर्फ कैलाश चौधरी जीतेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में विशाल जनसमूह को संबोधित कर लोकसभा चुनाव में अपनी बात कहकर अब रवाना होने वाले हैं। क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने? बढ़िया कहा। क्या क्या, क्या बातें की? बढ़िया बातें की, लेकिन क्या बातें की भाई साहब आपके? क्या सुना मोदी जी ने? क्या बहुत सी चीजें कहा मोदी जी ने। अच्छा, क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने तो अपने विकास के बारे में कहा, घरे ही रहा और वोट दिया, ठीक है नहीं, बढ़िया काम करिया। वो तो 87 में ही है, पौधे में पानी लाने लगे तो हना जाए कहीं लीलू हुआ है, बड़ा देखा भगवान कर से मोदी ने, ताकत दे से भगवान। ये रहे तो भाई मैंने विश्वास को नहीं, विश्वास मोड़ो मैंने, बिल्कुल मोड़ो विश्वास है भाई, बहुत दोरो काम है, दोरो काम। यहाँ काफी जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए भीड़ बहुत जबरदस्त है। क्या साहब नाम क्या है? मेरा नाम बाकर सिंह है। बाकर सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्या कह के गए? बहुत अच्छा संदेश दिया है, घर घर जाके हरे को राम राम कहना हमारा और मोदी को यहाँ से विजय करना। अच्छा, कैलाश जी चौधरी ने जीता है। बाड़मेर के लोगों क्या मूड है? कैलाश जी को जीताने का। अच्छा, 400 जो मोदी जी ने कहा वो पूरा करना, 400 पार, आराम से पार हो गए, आराम से। बिल्कुल, काफी और लोग है उनसे बात करते हैं। क्या साहब मोदी जी ने क्या कहा, सुना था? हम तो हमें आया भाई, अब आयो तब तो खत्म हो गई सभा, खत्म हो गई होगी। आपने क्या सुना? मोदी जी दे वोट, वोट मोदी जी दे, कला चौधरी दे, की बात है, वोट मोदी को ही देंगे दिल्ली में, और इसको जो बदमाश लोगों को अंदर टेका है, इसलिए हम तो मोदी को वोट देंगे, मोदी को देंगे, मोदी को, मोदी को वोट देंगे। सब मोदी के साथ है, मोदी के साथ है सब। नरेंद्र मोदी का काफी यहाँ पर जबरदस्त क्रेज भी है, चूंकि प्रधानमंत्री कहाँ से आयो? बटड़ू से। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने बढ़िया कहा, वोट देने का कारण वोट देंगे बीजेपी को, मोदी को। कहा कि बाड़मेर के लिए क्या क्या काम किया, कुछ कहा आपने? आपको कहा है, क्या कहा? देखिए लोग यहाँ सुनने आए थे, देखने आए थे, भीड़ का हिस्सा बनकर भी कई लोग जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा ये किससे बात करें? मोदी जी ने क्या कहा, आपने क्या सुना? मोदी जी ने बढ़िया कहा, बढ़िया तो कहा क्या? देश का भला कर देंगे, पानी मंगाएंगे। अच्छा, हाँ, देश का विकास करेंगे। अच्छा, हाँ, देश का बहुत बहुत काम करेंगे। तो इस बार किसको पब्लिक वोट दे रही है? फूल को, मोदी सरकार को। तो इस बार 3 लोग है सामने आपके, 300 के ऊपर घड़े घड़ो है, हम तो मोदी को देंगे। अच्छा, हाँ, क्या भाई साहब आप तो मंडल महामंत्री है, बताइए क्या माहौल कुछ चेंज हुआ इतने दिन में? थोड़ा लग रहा था कि कम में। बहुत अच्छा माहौल है और कमल का फूल जीतेगा, पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेगा। अच्छा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, और मोदी जी ने जो मंत्र दिया है वो हम अच्छी तरह से लोगों के बीच में लेके जाएंगे और कमल को खिलाएंगे। क्या मोदी जी ने क्या 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 संदेश देने को कहा कि भाई पब्लिक में कार्यकर्ता जाए तो ये संदेश दे ताकि वोट अपने को मिले? सभी को राम राम दे, लेकिन मोदी की जो योजना है वो तो किसी छुपी नहीं है, पूरे देश आगे बढ़ रहा है, ये तो सबको पता ही है, ये तो संदेश देने की जरूरत भी नहीं है आज के जमाने में, बताना पड़ेगा पब्लिक को भाई हमने ये बढ़िया काम किया है इसलिए आप वोट दीजिए। तो घर घर देखो, घर घर आवास, ये नहर का पानी भी लाने की घोषणा की है और कुछ गांवों में पहुंच भी गया है, और बाकी जो रेट है अब जो सरकार बनेगी तो वो भी मिलेगा सबको पानी। लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जब रविंद्र सिंह भाटी की यहाँ पे हुई थी ना भीड़, तो वो भीड़ भी लगभग ऐसी ही थी,
नहीं नहीं, भीड़ से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में कोमल का फूल बसता है और कमल का होता है। वो बाहर से भीड़ थी साहब, जयपुर से, जोधपुर से, वो ये थोड़ा ही वोट लगता है, वोट बाड़मेर की जनता देगा जो काम आएगा। तो अब की बार 400 से ज्यादा किला जी जीतेगा। उम्मीदवार जी कह रहे हैं कि RLP कांग्रेस उनके साथ है। अरे कुछ नहीं साहब, उम्मीदवार राम जी तो सिर्फ खड़ा हुआ है भाई, सीट में तो खड़ो बेड़ो जरूरी है। क्यों देंगे उसको वोट? प्रदेश के अंदर सारी मतलब राजस्थान प्रदेश के लोगों ने मतलब सरकार बनाई, अब पूरा खेत खड़ने के बाद में छोड़ के चला जाएगा क्या? मैं आपको कहता हूँ, आपने राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, अभी ये लोग देख देख के मतलब अपना मतलब कब्जा करने चाह रहे, कोई उनको एक ही वोट नहीं देगा, सिर्फ कैलाश चौधरी जीतेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की सीट पूर्ण बहुमत से निकलेगी, कोई रोकने वाला माई का लाल है नहीं। डबल इंजन की सरकार कह रहे, क्या डबल इंजन की सरकार बन गई है, बनी हुई है, अब वापस लोकसभा चुनाव में रिपीट कर रहे हो सरकार? बिल्कुल रिपीट हो रही है। अच्छा, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। बाड़मेर में बताते हैं माहौल बड़ा, आज सब खत्म हो गया, सब हवा में उड़ गए, सब सब हवा में उड़ गए। बीजेपी, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा लाठा रहे हमें हैंग, ये लाठा रहे सामने वाले उड़ाई ना, हमें आज हम ले रहे हैं, हम ले रहे लकड़ा आज। लोगों में काफी जोश है और इनका ये कहना है कि जो चुनाव जो है वो वोट में तब्दील होगी ये भीड़, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ उमड़े थे नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, क्या आप क्या कह रहे थे सर? पार्टी का माहौल बहुत ज़्यादा था। कैसे मतलब? वो तो किसी पार्टी में थोड़ी है, आज तो मोदी जी आके गए। नहीं सर, वो युवा है, युवा नेता है, सेम है। अच्छा, युवा नेता है। क्या हुआ? शिव में जो हुआ था वैसे ही होगा, बाहर की भीड़ शिव में भी थी, अब भी होगी। क्या यार, आप सुनने आते हो मोदी को और कहते हो वोट देंगे? मोदी को सुनने जरूर आएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी दिल्ली पे मोदी है, यहाँ मोदी पार्टी है, दो मोदी है, बड़ा मोदी। क्या नाम? नाम क्या आपका? छोटा मोदी और मोटा मोदी, दो मोदी है। तो छोटा मोदी कौन है? छोटा मोदी तो पार्टी है, मोटा मोदी अभी आए हैं। अच्छा, हाँ, आप दोनों को चाहते हो? हम दोनों को चाहते हैं। अच्छा, ये बढ़िया चीज़। हाँ, चीज़ बताइए कि आज मोदी जी आए कितना फर्क पड़ेगा माहौल में? बहुत फर्क पड़ेगा, मोदी जी आने से बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये सब मोदी जी का ही वोट आएगा, सब माहौल पूरा के नाम से। मतलब मोदी जी कह रहे हैं 400 पार और 25 भाजपा की राजस्थान में सीटें, आपको लगता है कि इस बार ऐसा होगा? बिल्कुल, पूरा का पूरा माहौल पहले जैसा नहीं रहा, माहौल बदल गया। पहले माहौल नहीं था ना? पहले माहौल नहीं था, आज बदल रहा है ना? मैं आज का पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ओनली फॉर कमल का फूल, आज सभी बोल रहे हैं कमल फूल, मोदी जी कमल का फूल, मोदी मोदी आना तो माहौल तो बन गया। मोदी जी ने बोल दिया है तो जब तक मोदी ने बोला है हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। चलिए, नरेंद्र मोदी के आने के बाद यहाँ पर काफी जो माहौल है वो इनका ये कहना है कि बदलेगा और जो यहाँ भीड़ आई है वोटों में तब्दील होगी। सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला था और BJP को इस बात की उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद ये माहौल पूरी तरीके से बदल जाएगा और मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार का वो इस बार भी पूरा होगा। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, पंजाब केसरी, बाड़मेर।